जुड़ चुके हैं हम उनका, जब तक काम चेक कर लेते हैं और हम स्टार्ट थोड़ी देर रुक के करेंगे जब सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं, सारे स्टूडेंट्स। ठीक मैम। ओके सर, तो आप लोग अपना अपना, कल आप लोगों ने जो भी स्केच किया है आप लोग मुझे अपना अपना स्केच दिखा सकते हैं। मैम आद्य, आद्य आद्य दिखाइए क्या। ओके वेरी गुड आद्य। अभी आज हम पेंट करेंगे ड्राइंग को, ठीक है। आपने शीट पे बनाया, किस पे बनाया है बेटा? शीट पे, ठीक है बेटा। आज हम कलर करेंगे, तो कलर की टेक्निक को आप अच्छे से देखिएगा। मैम आद्य बंसल, हाँ आद्य बंसल दिखाइए। थोड़ा सा अपना ड्राइंग को थोड़ा सा पीछे कर दीजिए बेटा, जिससे मुझे पूरा ड्राइंग दिख पाए। वेरी गुड आद्य बंसल, आपने क्ले का काम बहुत अच्छा किया है। गुड गुड आद्य, थैंक यू मैम। वेरी गुड मैम। पावनी, पावनी बेटा दिखाइए अपना ड्राइंग। पावनी हाँ, पावनी वेरी गुड, आपने भी बहुत अच्छा किया है किले का काम। आपको किले का वर्क करते हुए कोई दिक्कत तो नहीं आई बेटा? मैम ने किले का वर्क किया है, ये मैंने ग्लू और पाउडर लगा के किया है। ओके, फर्स्ट टाइम किया होगा पावनी आपने? यस मैम। फर्स्ट, वेरी गुड, गुड बेटा, बहुत अच्छा किया आपने, फर्स्ट टाइम किया है। मोनिका जी अपना दिखा दीजिए। हाँ बेटा, हाँ मैं मोनिका, एक मिनट बेटा मैं मोनिका जी का चेक कर रही हूँ। हाँ मोनिका जी, वेरी गुड, ठीक है मोनिका जी। हाँ मोनिका जी, आपने प्लाईवुड पे बनाया है, हम इसका फर्स्ट कोट करेंगे तो ये प्लाईवुड कलर एब्जॉर्ब करेगी, तो हम इसको दो या तीन कोटिंग में कंप्लीट करेंगे ड्राइंग को, ठीक है मोनिका जी? ओके ठीक है ना। वेरी गुड, गुड मोनिका जी। आगे कौन दिखा रहा है बेटा? दिखाइए बेटा। थोड़ा कैमरे के और पास लाइए बेटा अपना ड्राइंग को। वेरी गुड आद्य, गुड बेटा, वेरी गुड। आप वाटर कलर करेंगे, ठीक है? ओके ठीक है बेटा। हाँ नेक्स्ट कौन दिखा रहा है अपना ड्राइंग? गतिक अग्रवाल, रचित अग्रवाल, गतिक 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 गतिक। आपने किसी नंबर से ज्वाइन किया है? मैम किस नंबर से? कभी मतलब कभी? आपका इस पे कौन सा नाम शो हो रहा है, क्योंकि मुझे चेक करने में आसानी होगी बेटा। ओके प्रवीण, ओके बनाया अभी बेटा मैं देख रही हूँ। हाँ वेरी गुड, अच्छा बनाया बेटा, दिखाइए। गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा ड्रॉ किया है आपने तो। गुड बेटा, गुड। नेक्स्ट
नेक्स्ट और किससे चेक कराना है तो अपना चेक करा दीजिए। आज हमें वाटर कलर, पोस्टर या एक्रेलिक कलर चाहिए अपने ड्राइंग के लिए, ब्रशेस चाहिए, वाटर कंटेनर चाहिए और एक रफ क्लॉथ चाहिए कलर करने के लिए। सबका चेक हो गया मैम? हाँ बेटा, एमशील के लिए कुछ भी यूज कर सकते हैं बेटा। मैम लगाना पर लगाना, हमने ये देखिए, आपने ये बुद्धा जी के हेयर्स में हमने इस तरीके से यूज किया है, कुछ फ्लावर्स बना दिए हैं, या हमने प्लास्टिक के फ्लावर भी यूज करे हैं और हमने हमने प्लास्टिक के फ्लावर भी यूज करे हैं। आप इसे क्ले से भी बना सकते हैं, जैसे मैंने ये क्ले से बनाया है। मैम एमसील वाली क्ले? हाँ एमसील वाली क्ले बेटा, एमसील ही यूज करना है, या मोल्डेक के नाम से मिलती है मार्केट में, आपको वो यूज करना है, मोल्डेक के नाम से ये वो यूज करना है। जो आप रंगीन कलर्स ले यूज करते हैं वो नहीं करना है, क्योंकि वो ड्राई नहीं होगी, हार्ड नहीं होगी, ये एकदम से हार्ड हो जाती है, तो हमको ये यूज करना है। मैम वाली मैंने एमसील बोर्ड में भी लगाई थी। वे हाँ, हमने बर्ड में भी लगाई थी, बर्ड में हमने इसीलिए सिखाई थी कि आप एक बार फर्स्ट टाइम यूज कर लेंगे तो सेकंड टाइम आपको यूज करना इजी होगा। अभिषेक जी क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ मैम स्टार्ट कर लीजिए, अब तो 12:08 हो गया, स्टार्ट कर लीजिए आज कल। जी सर, सबसे पहले हम बुद्धा जी का फेस कलर करेंगे आज। फेस कलर करने के लिए हमको कोई भी व्हाइट कलर और ब्लू के ये शेड्स चाहिए, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू और व्हाइट कलर। अगर लाइट ब्लू नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें केवल पर्शियन ब्लू और व्हाइट कलर का शेड चाहिए, जिससे हम कलर शेडिंग करेंगे। और हमें 0 और 3 नंबर का ब्रश चाहिए, इस तरीके से हमें 3 ब्रशेस चाहिए। हम कलर पैलेट लेंगे, कलर पैलेट में हमने पर्शियन ब्लू कलर निकालेंगे बेटा। ब्लू कलर का ब्रश हम अलग रखेंगे और व्हाइट कलर का ब्रश हम अलग रखेंगे, और हमने व्हाइट कलर यूज किया है। पेंशन ब्लू डार्क होता है ना? है बेटा? ये जो ब्लू है, ये डार्क ब्लू है ना? ये बगल हाँ डार्क ब्लू है। हाँ बेटा ये डार्क ब्लू है और ये लाइट ब्लू है। अगर आपके पास लाइट ब्लू कलर नहीं है तो लाइट ब्लू कलर हम व्हाइट मिला के बना सकते हैं। ये देखिए, आज हम केवल पहले फेस स्टार्ट करेंगे। ये 3 ब्रशेस में हमने अलग अलग कलर यूज करे हैं, इन कलर को हम सबसे पहले आई पे लगाएंगे। पहले हम व्हाइट कलर यूज कर रहे हैं। मैम आपने व्हाइट, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू कलर लिए है ना? हाँ मैंने 2 कलर यूज किए हैं बेटा, ये नाम से कोबाल्ट ब्लू और पर्शियन ब्लू के नाम से हैं, लाइट ब्लू एंड डार्क ब्लू। आपकी कलर पैलेट में जो भी लाइट ब्लू और डार्क ब्लू शेड होंगे आप ये देख सकते हैं। और जब भी आप कलर करें हमेशा अपना फैन ऑफ कर दीजिए, फैन ऑफ कर दीजिए, क्योंकि गर्मी में क्या है ना, कलर बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, तो आपका ब्रश जैसे ही आप कलर मिक्सिंग करेंगे ना तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए हमेशा फैन ऑफ कर दीजिए।
जब भी हम कलर करेंगे, और हमेशा डार्क कलर, डार्क कलर आवाज आ रही है, हम डार्क कलर ये लेंगे और देखेंगे डार्क कलर हमेशा बहुत कम यूज करते हैं, जो व्हाइट कलर है वो ज्यादा यूज करते हैं। ये आपने देखा, ये लिया और एक ब्रश लेंगे जिसमें हमारा कोई भी कलर नहीं है, बस उसको हम हल्का सा वाटर से थोड़ा सा गीला कर लेंगे और एक रफ क्लॉथ से हम इसको पोंछ लेंगे और इसको इस तरीके से देखिए मिक्स करेंगे। हमारी आई को 3D दिखाने के लिए हमारा जो कर्व पार्ट है आई का, जहाँ हमारी ये आई बॉल है, इसको राउंड शो करने के लिए हम बीच में हाईलाइट यूज करेंगे और ऊपर और नीचे साइड में इधर डार्क यूज करेंगे। कलर से हम किसी भी ड्राइंग में 3D इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आपकी ड्राइंग 2D है तो आप उसमें 3D इफेक्ट हम कलर के से क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हमें लाइट एंड डार्क टोन पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ हम कितना डार्क देंगे और कहाँ हमें कितना लाइट देना है, इसका ध्यान रखेंगे तो ड्राइंग में 3D इफेक्ट आता है। तो आप देखिए मैं कहाँ कहाँ, आप इस चीज को जरूर नोटिस करिएगा कि मैं डार्क कहाँ यूज कर रही हूँ और लाइट कहाँ यूज कर रही हूँ। तो हम आई के इधर साइड में डार्क शेड देंगे, थोड़ा सा इधर देंगे और इस तरीके से मैंने लाइट ब्लू का ये शेड इस तरीके से मिक्स किया है। फिर हम व्हाइट से इसको मिक्सिंग करेंगे जिस ब्रश में, आप देखेंगे मैंने अलग अलग कलर के ब्रशेस अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ के रखे हैं, जिससे कि हम फास्ट काम कर पाए, क्योंकि गर्मी के सीजन में क्या है ना, बहुत जल्दी आपके कलर ड्राई होते हैं। जब तक आप कलर मिक्सिंग करने जाते हैं और आपके कलर सूख जाते हैं, कलर मिक्स नहीं हो पाते हैं, तो कलर के पैचेस बन जाते हैं। फिर हम पर्शियन ब्लू कलर लेंगे, कभी भी आप कलर करें ना, कलर के पैचेस नहीं बनने चाहिए, सारे कलर्स जितने भी शेड यूज करें वो आपस में मिक्स हो जाने चाहिए। और हमेशा ब्रश का टिप यूज करेंगे, आप ब्रश का टिप यूज करेंगे, ब्रश को फ्लैट नहीं यूज करेंगे, ओनली ब्रश का ये टिप यूज करेंगे। देखेंगे इस तरीके से मिक्सिंग करेंगे। हल्का सा ब्लू कलर लेंगे, साइड में बढ़ाएंगे, बीच में जहां हमारी आई बॉल होती है ना उस पे लाइट ज्यादा रखेंगे और इधर साइड साइड थोड़ा सा डार्क रखेंगे और एक साफ ब्रश से हल्के हाथ से इसको मिक्स कर देंगे कलर शेड्स को। सेम इसी तरीके से हमको दूसरी आई में शेडिंग करना है। अब इस पे एक कोट कर दिया है, हम एक लास्ट कोट बाद में करेंगे। सेम दूसरी वाली आई में रिपीट करेंगे।
देखिए पहले पूरे में व्हाइट कर लिया हमने, फिर थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर किया है। अगर आपके पास लाइट ब्लू नहीं है तो पर्शियन ब्लू में ही आप व्हाइट मिक्स करेंगे तो ये लाइट ब्लू कलर बन जाएगा। इसको हमने एक आउटलाइन लिया, सेम इसी तरीके से नीचे कर्व लेते हुए और व्हाइट वाले ब्रश से या एक साफ ब्रश से हम इसको मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा साइड में इस शेप को लेंगे, जो आई बॉल का बीच का राउंड वाला पार्ट है वो ज्यादा कर्व होता है, उसको ज्यादा कर्व दिखाने के लिए हम थोड़ा सा वहां लाइट शेड ज्यादा लेंगे। और एक ड्राई ब्रश से हम इस तरीके से कलर को मिक्स कर देंगे। ये कलर जब तक गीले हैं तभी तक मिक्स होंगे, पर ये सूख गए तो मिक्स नहीं होंगे, फिर से आपको पूरे कलर की कोटिंग करनी पड़ती है। फिर हम कलर लेंगे यानी कि डार्क ब्लू, जो भी आपकी कलर पैलेट में सबसे डार्क ब्लू हो वो कलर हमको यूज करना है। ये देखिए आउटलाइन लेंगे, सेम इसी तरीके से नीचे आउटलाइन लेंगे, कर्व लेते हुए ब्रश को चलाना है। ये ध्यान रखेंगे केवल ब्रश का टिप हमें यूज करना है। इधर डार्क शेड करेंगे, इधर डार्क शेड करेंगे, फिर हमें एक ड्राई ब्रश से सारे कलर शेड्स को अपने मिक्स करना है जिससे सारे कलर मिक्स हो जाए। ये देखिए इस तरीके से हमारे कलर शेड मिक्स होने चाहिए। हमारे फेस में जो जो हमारे उभरे हुए पार्ट होते हैं फेस के, जहाँ हमारी बोन ऊपर उभरी हुई होती है, वो हमारे हाईलाइट वाले पार्ट होते हैं, उन पे हमेशा लाइट कलर यूज करते हैं। जो हमारे डेप्थ वाले पार्ट होते हैं वो उन्हें डार्क शो करते हैं, तो उसके लिए हम डार्क कलर यूज करते हैं। सबसे पहले हम व्हाइट कलर लेंगे, नोज कलर करने के लिए पहले हम व्हाइट कलर लेंगे। व्हाइट कलर की क्वांटिटी हम सबसे ज्यादा लेंगे क्योंकि वो लाइट कलर है, और डार्क कलर हम सबसे कम यूज करते हैं। जितना डार्क कलर होता है उसकी क्वांटिटी हम सबसे कम यूज करते हैं। पहले हमने बेस में ले लिया, जो भी बोर्ड पे माइका पे प्लाई पे बना रहे हैं उनको इस तरीके से 2 से 3 कोटिंग करनी पड़ेंगी, क्योंकि फर्स्ट कोट क्या है हमारा प्लाईवुड और ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपको कम से कम इस पर 2 कोट करने पड़ेंगे। अगर हम प्लाई यूज कर रहे हैं या बोर्ड यूज कर रहे हैं, कैनवास पर भी आपको 2 कोट करने पड़ेंगे। पहले पर्शियन ब्लू ले, कोबाल्ट ब्लू ले रहे हैं, क्ले के अंदर अंदर भी थोड़ा थोड़ा कलर कर देंगे। ये देंगे ब्रश से टिप से हमें अंदर भी कलर करना है, अगर आपने क्ले का काम किया है तो, जैसे कि कलर अंदर तक चला जाए। इसके टिप से कलर को अंदर तक ले लीजिए,
कैसे कलर मिक्स करना है। ब्रश का टिप यूज करते हुए फिर एक व्हाइट ब्रश से हम इसको मिक्स करेंगे। फोरहेड का ये पार्ट थोड़ा सा लाइट रखेंगे, थोड़ा सा पर्शियन ब्लू कलर लेंगे। हमें हमेशा कलर लाइट टू डार्क चलना है, सबसे पहले लाइट फिर डार्क फिर और डार्क, इस तरीके से लाइट एंड डार्क शेप लेना है। फिर से कलर की मिक्सिंग लेके एक ब्रश जिसमें कोई भी कलर नहीं है उस ब्रश से हम इस तरीके से डार्क और लाइट वाले पार्ट को हल्का सा वाटर लगाते हुए इसको मिक्स कर सकते हैं। तरीके से लाइट कलर लगाना है फेस के लिए। फेस के ये चीक्स वाले पार्ट में हमें हाईलाइट यूज करनी है, क्योंकि ये हमारे फेस का सबसे ये हमारे फेस का उभरा हुआ पार्ट, तो जो चीज हमारे फेस में उभरी हुई होती है उसको हम लाइट शो करते हैं। यहाँ पे हमने डार्क
हम यहाँ इस तरीके से चीक्स वाले पार्ट को ऐसे राउंड घुमाते हुए ब्रश को लेना है, जैसे कि हमारे चेहरे पे स्माइल आए, हम स्माइल शो कर पाए आपके बुद्धा जी के फेस में। हमको इस तरीके से थोड़ा सा राउंड ब्रश चलाना है। ये फेस का हाईलाइट पार्ट है, यहाँ में वाइट ज्यादा छोड़ना है और एक ड्राई ब्रश से इसे मिक्स करना है। एक ड्राई ब्रश लेंगे, ये ड्राई ब्रश लिया है, इसमें ना मैंने वाटर लगाया है, कुछ भी यूज नहीं किया है। नोज के एक साइड वाले पार्ट को थोड़ा सा लाइट शो करना है, इसको हम थोड़ा सा व्हाइट और ब्लू मिक्स करा हुआ कलर लेंगे। ऐसे इधर वाले पार्ट पे लेंगे, थोड़ा सा व्हाइट का शेड लेंगे हम और इसको मिक्स करेंगे। नोज हमारे फेस पे सबसे उभरा हुआ पार्ट है, इसलिए इसको हाईलाइट करने ये इसका कलर हमेशा बॉडी के और पार्ट से थोड़ा सा लाइट ही रखते हैं। नोज के नीचे ये डार्क करने के लिए थोड़ा सा डार्क कलर यूज करेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा व्हाइट यूज करेंगे। आईज के नीचे चीक्स वाले एरिया पे, यहाँ पे भी हम थोड़ा सा व्हाइट कलर यूज करेंगे। एक ड्राई ब्रश से इसे मिक्स कर लेंगे, इसको राउंड लेता हूँ थोड़ा सा मिक्स करेंगे।
अंदर थोड़ा सा लाइट ब्लू करेंगे। यहाँ का सब व्हाइट लेते हुए इसे मिक्स करेंगे। ये भी हमारा फेस में कलर करने का फर्स्ट स्ट्रोक है। इसके बाद एक फिनिशिंग स्ट्रोक हम बाद में देते हैं, जब एक कलर कोटिंग पूरी सूख जाती है उसके बाद हम नेक्स्ट कलर शेड देते हैं, अपना फिनिशिंग टच कंप्लीट होने के बाद देंगे। फ्रीज ड्राई ब्रश से इसे मिक्स कर देंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा सा कलर करते जाएंगे, उसे साथ साथ मिक्स करते चले जाएंगे। अपर लिप थोड़ा सा डार्क होता है, जब भी हम कोई भी फेस कलर करेंगे तो अपर लिप को हमेशा डार्क रखेंगे और लोअर लिप थोड़ा सा लाइट होता है। अपर लिप थोड़ा सा पतला होता है और लोअर लिप मोटा होता है। इसका शेड हमें मैम बुद्ध जी के लिप्स भी हमें ब्लू करने हैं। हाँ लिप्स भी ब्लू करने हैं क्योंकि हम पूरा ब्लू शेड में दिखा रहे हैं ना बेटा, इसलिए। क्योंकि ये हम बुद्धा जी पूरा ब्लू मोनोक्रोमेटिक कलर में दिखा रहे हैं। मोनोक्रोमेटिक कलर का मतलब है एक ही कलर के डिफरेंट शेड यूज किए हैं, तो हम उसी में। हाँ तो हमने ब्लू कलर मोनोक्रोमेटिक कलर में यूज किया है, तो हम सारे ब्लू शेड यूज करेंगे इसके। हाँ डार्क ब्लू कलर लेके हम जीरो नंबर का एक ब्रश लेंगे और पर्शियन ब्लू में हम थोड़ा सा ब्लैक कलर मिक्स करेंगे
बहुत डेप्थ वाले एरिया को कलर करने के लिए, जैसे आईब्रो है, आई के नीचे है, हम थोड़ा सा ब्लैक कलर यूज करेंगे पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू में मैंने थोड़ा सा ब्लैक कलर यूज किया है। अब इसको बहुत डेप्थ वाले पार्ट में हम इसे थोड़ा सा आउटलाइन करेंगे, जैसे आई के नीचे, और हमेशा 0 नंबर के ब्रश यूज करेंगे इसके लिए। ब्रशेस के पॉइंट हमेशा किस एरिया पे आप कलर कर रहे हैं ना उसके अकॉर्डिंग चेंज करते रहेंगे। अगर आपको बड़ा सरफेस करना है तो मोटा ब्रश यूज करेंगे, सरफेस कम कलर करना है तो हम पतला ब्रश यूज करेंगे। मोस्टली कोई भी पेंटिंग बनाने के लिए हमें कम से कम 4 ब्रशेस चाहिए होते हैं, 0 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर, 4 ब्रशेस चाहिए होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम आउटलाइन करेंगे। नोज का ये डार्क पार्ट है, इसमें हम ये ब्लैक और पर्शियन ब्लू मिक्स कलर यूज करेंगे। इस तरीके से लिप्स में डार्कनेस बढ़ाएंगे। बीच की ये जो लाइन है इसको ब्लू ब्लैक मिक्स, हमेशा ब्लैक की क्वांटिटी कम रहेगी और आपके ब्लू की, पर्शियन ब्लू की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी। ये ध्यान रखिए जब भी आप कलर मिक्स करें तो ब्लू में ब्लैक मिक्स करना है, ब्लैक में ब्लू नहीं करना है। ब्लैक बहुत फास्ट कलर है तो इसकी क्वांटिटी हमेशा बहुत कम रहनी चाहिए, नहीं तो उस सारे कलर के लास्ट में ब्लैक ही बन जाएंगे अगर आप इस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे। थोड़ा सा जो हमारा ड्राइंग है उसमें हम आउटलाइन कर देंगे। जिस तरीके से हमने फर्स्ट कोट रिपीट किया है सेम इसी तरीके से हम सेकंड कोट रिपीट करेंगे। जो सेकंड कोट रिपीट करेंगे उसका भी यही तरीका होगा। जब आप पहला कोट कर लेंगे सेकंड कोट में और फिनिशिंग आएगी। हाँ बेटा दिखाइए। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, थोड़ा सा डार्कनेस पढ़ाइए जो मैं अभी आउटलाइन कर रही हूँ ना, थोड़ा सा डार्क का ये आउटलाइन करिए। मतलब मैंने थोड़ा सा ब्लैक, ब्लैक की क्वांटिटी बहुत कम होनी चाहिए, मतलब आपका 0 नंबर के टिप पे बहुत जरा सा आपको ब्लैक लेना है, मतलब एक बहुत छोटा डॉट के बराबर आपको ब्लैक कलर यूज करना है बेटा, और उससे थोड़ा सा आप आउटलाइन करेंगे। और इसी ड्राइंग में ये देखिए ब्रश में हमने कलर लिया है, ये आप देखेंगे
जीरो नंबर के ब्रश में, देखिए कितना पॉइंटेड ब्रश है, और इसके अंदर से सारा एक्स्ट्रा कलर मैं निकाल देगी। एक रफ क्लॉथ लेके आप इसके अंदर का सारा एक्स्ट्रा कलर निकाल देंगे, इस तरीके से पॉइंटेड लेंगे और पूरी ड्राइंग का इस तरीके से आउटलाइन करेंगे। बुद्धा जी के हेयर करने के लिए भी हम पहले बेस में क्या करेंगे, ब्लैक और ब्लू कलर मिक्स करना है। ब्लैक और ब्लू कलर मिक्स करते हुए, ब्लू की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए। बीच में थोड़ा सा हाईलाइट कलर यूज करेंगे, लाइट ब्लू कलर यूज करेंगे। हम पहले थोड़ा ब्लैक होगा, हाँ थोड़ा थोड़ा ब्लैक कलर यूज करेंगे, और आप देखेंगे पहले हल्का सा, ये आपने देखा यहाँ साइडों पे हमने थोड़ा सा डार्क ब्लू यूज किया है। मैम ब्लैक एंड डार्क ब्लू? हाँ डार्क ब्लू में हल्का सा ब्लैक बेटा, हल्का सा ब्लैक। और जो 3D पेंटिंग बना रहे हैं उनको अंदर थोड़ा सा ये इस तरीके से ब्रश से कलर को अंदर तक डालना है, जैसे कि अंदर के जो पोर्ट्स दिख रहे हैं वो अच्छे से कलर हो जाएं। ये देखिए कर रही हूँ ब्रश को किस तरीके से हम यूज कर रहे हैं, अंदर इस तरीके से डार्क लेंगे। उसके लिए हम डार्क ब्लू और ब्लैक कलर वाला एक टोन यूज करेंगे, क्योंकि अंदर डेप्थ में हमेशा कलर डार्क होता है, तो आप यहाँ डार्क कलर यूज करेंगे। हेयर्स को थोड़ा सा डार्क शो करने के लिए पर्शियन ब्लू में ब्लैक कलर हमें यूज करना है, फेस के कलर से हेयर्स डार्क रहेंगे। और बीच में थोड़ा सा हाईलाइट शो करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा लाइट ब्लू का शेड यूज करते थे, और आपके पास लाइट ब्लू नहीं है तो आप ब्लू में व्हाइट मिक्स करके यूज कर सकते हैं, लेकिन स्किन कलर से आपके हेयर्स का कलर डार्क होना चाहिए। ब्लैक बेटा ना कलर हमेशा ये ध्यान रखिए, ब्लैक बहुत फास्ट कलर होता है, ब्लैक आपको बहुत थोड़ा सा यूज करना होता है। और कई बार क्या होता है ना, हमारा ब्लैक का हम पूरा ब्रश डिप करते हैं और एकदम से यूज कर लेते हैं, तो हमारा ब्रश में तो बहुत ज्यादा कलर लग जाता है, इससे भी हमारा ड्रॉइंग खराब हो जाता है बेटा। तो ब्रश का हमेशा 0 पॉइंट के ब्रश से लीजिए और केवल उसका टिप यूज करिए, और ब्रश हाँ जो आपका डार्क टोन है वो यूज करते हुए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि उससे अगर आपका जरा सा भी खराब होता है तो ड्राइंग खराब हो जाएगी, तो उसको बहुत आराम से चलाइए, उसको बहुत स्लो करके चलाइएगा, बहुत फास्ट मत चलाइए बेटा। जब आपका ड्राइंग पूरा सूख जाए तो इस पे एक कोट और करना है, चाहे आप पेपर शीट पे कर रहे हैं
चाहे आप बोर्ड पे कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, एक कोट हमें और करना है। मैं आपको एक कोट बता देती हूँ, कल को आप एक कोट इस पे करके रखेंगे। आपको लुक को मेरा ड्राइंग अच्छे से विजिबल हो रहा है? आप लोग को मेरा ड्राइंग अच्छे से विजिबल हो रहा है? हाँ ज्योति जी, अच्छे से विजिबल हो रहा है। मोनिका जी कर रहे हैं आप? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है आपको करते हुए? समझ में आ रहा है आपको टेक्निक? टेक्निक समझ में आ रही है बट कर नहीं रहे हैं, क्योंकि आप पर देख रहे हैं, देखने हाँ, के बाद क्योंकि हाँ वो टेक्निक ज्यादा बेटर है। अब ब्रश चलाने के स्ट्रोक्स देखेंगे तो आप बाद में बहुत अच्छे से कर लेंगे, और आप मेरे साथ साथ करेंगे तो उसमें क्या होगा ना, आप टेक्निक नहीं देख पाएंगे तो वो मिस हो जाएगा। थोड़ा सा लाइट ब्लू लेके हम थोड़ा सा हेयर पे ऐसे शेडिंग मार देंगे। इस तरीके से हमने फेस को कलर करना है। नेक का पार्ट डार्क होता है फेस के पार्ट से, तो यहाँ हम डार्क लगाएंगे। नेक का कॉम्प्लेक्शन फेस के कॉम्प्लेक्शन से हमेशा डार्क होता है, तो उसके लिए हमें डार्क देंगे। तरीके से नेक में शेडिंग करना है, और यही शेडिंग ब्लू कलर हमने बुद्धा जी में इसलिए लिया है क्योंकि आपका ब्लू कलर शांति का प्रतीक है, कूल कलर है, इसलिए हमने बुद्धा जी के में ब्लू कलर यूज किया है। आप चाहें तो कोई और कलर भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से नीचे वाटर में कलर कर देंगे। जिस तरीके से वाटर बहुत शांत होता है उसका कलर ब्लू शो करते हैं, इसी तरीके से हमने बुद्धा जी का कलर ब्लू लिया है। इस तरीके से ये कलर शेड करना है हमें। बाकी का कलर हम आपको कल बताएंगे, तब तक आप लोगों ने जो जो ड्राइंग किया है मुझे आप शो कर दीजिए, और आपको जो पूछना है
पूछ लीजिए। आप लोग अपना अपना ड्राइंग चेक करा सकते हैं। हाँ बेटा दिखाइए। फिर से दिखाइए बेटा। हाँ ठीक है, ठीक है बेटा, इस पर एक स्ट्रोक और दीजिएगा। ठीक है बेटा, एक स्ट्रोक और दीजिएगा कलर के। और किसे चेक कराना है? अभी किया नहीं है मैम, हाँ कल करके चेक करा लेते हैं। ठीक, तो अभी हमारे पास 5 मिनट है, तो क्या 5 मिनट में हम थोड़ा सा और बता सकते हैं? यस मैम। फिर हम थोड़े से एयर्स में कलर करते हैं। सेम इसी तरीके से अंदर का पार्ट डार्क लेंगे और बाहर लाइट शेड देंगे। अंदर डार्क लेंगे और बाहर लाइट लेंगे कलर शेड। तो बाकी का हम कल करेंगे। आप लोग अपना अपना बना के इतना रखिएगा और हम कल चेक करेंगे। थैंक्स दीपक जी, अभिषेक जी। थैंक यू मैम। सारे स्टूडेंट्स थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मोनिका जी। अभिषेक जी कल के लिए टाइम कुछ ज्यादा रख लें क्या? भैया कल के लिए तो कल तो फिनिश कराएंगे मैम, जितना भी लगेगा नहीं, उतने में कराएंगे। ये टाइम जैसे कम जैसा हो रहा हो तो कल कुछ और ले सकते हैं, 15 मिनट हम। बिल्कुल सर, देख लीजिए अभिषेक जी, आप देख लीजिए अपने स्तर पर। मैम ज्योति मैम ने कह दिया है, ठीक है, कह रही है। बिल्कुल सर, कल हम पूरा आर्टिकल कंप्लीट कराएंगे सर। जी 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 धन्यवाद। ओके सर जी, धन्यवाद दीपक जी, अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर।
थैंक यू।